ओ जी, ये है अपना मद विलेज। ये देखो जी, पीछे व्हाइट पीक्स दिख रही है, ये नदी देखो, वो इतनी चौड़ी वैली है, और ये पहाड़ देखो कैसे आ रहे स्लोप में। ये देखो दो इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में रास्ता है। तो जो ये मॉनेस्ट्री है ना, ये देखो आप, पूरे पत्थर के अंदर बन रखी है। स्वागत है आप सभी का हमारी इस स्पीति राइड में, जिसमें हम लोग निकले हैं देहरादून से एक पूरा स्पीति सर्किट करने के लिए, यानी शिमला टू काजा एंड देन काजा टू मनाली, अगर हो पाया तो। भाई आज है हमारा फिफ्थ डे, जिसमें हम लोग पहुंच चुके हैं मुद विलेज, या पिन वैली भी कह सकते हो। बाकी अगर इससे पहली वाली वीडियोस देखनी है आप लोग को, तो उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये कुछ रूम था हमारा मुद विलेज में, जो कि पूरा हमारा सामान से भर रखा है। कल रात को हम लोग मुद विलेज बहुत लेट में पहुंचे थे, मतलब घूप अंधेरे में, जो कुछ आइडिया नहीं है कि बाहर का व्यू कैसा है, मैंने भी नहीं देखा अभी तक। तो एक काम करते हैं, आपको भी दिखाता हूं और खुद भी देखता हूं। ये देखो भाई, ये अपने रूम के बाहर एक लॉबी है, लॉबी में खिड़की है। ओ बेटे, ये तो बाहर जाके दिखाता हूं भाई। ओ जी, ये है अपना मद विलेज। ये देखो जी, ये है अपना यहाँ पे पूरा का पूरा विलेज, एंड ये है अपनी पिन वैली। भाई कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, बीच में नदी बह रही है। अभी थोड़ी धूप आई नहीं है पूरी तरीके से, जब धूप आ जाएगी ना तो खैर और ज़्यादा बढ़िया लगेगा। बाकी ये आ गया है अपना ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड ऑमलेट, एंड इस प्यारे से व्यू को एंजॉय करते हुए हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। बाकी आप लोग एंजॉय करो ये ड्रोन शॉट्स। तो इस विलेज का नाम है मुद विलेज, जो कि स्पीति की पिन वैली का आखिरी विलेज है। और आप लोग को बता दूं कि ये पिन वैली इज द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और गेटवे है कुछ बहुत बड़े ट्रैक्स का, जैसे कि पिन पार्वती ट्रैक, जिसको करने में करीब 10 दिन लगते हैं। बाकी हम जैसे बाइकर्स के लिए मुद विलेज इज द डेस्टिनेशन ऑफ दिस पिन वैली, क्योंकि सड़क सिर्फ इसी गांव तक है। ओके, तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी यहाँ से निकलने के लिए। बाकी ये थी अपनी पिन वैली, एंड आप लोग को बता दूं यहाँ से ना पिन पार्वती का ट्रैक है, जो कि 10 दिन का ट्रैक है, और निकलता है अपना खीर गंगा मनाली। यस, बाकी वो हमारे पास टाइम नहीं उतना ज़्यादा, तो इसलिए हम लोग निकल रहे हैं। बाय 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 बाय। वैसे हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि हम लोग इतना जल्दी निकल जाएंगे, हमने सोचा था यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन भाई एक्सप्लोर करने के लिए बहुत टाइम चाहिए इधर, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। बाकी हम लोग रुके थे तारा होम स्टे, और कसम से यार हम लोग सोच के आए थे कि हम लोग आज यहीं पे स्टे करेंगे, थोड़ा ट्रैक करेंगे, लेकिन वही होता ना लैक ऑफ नॉलेज, वही हमारे साथ हुआ। बट आप लोग के लिए मैं एडवाइस दे देता हूँ कि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे सिग्नल्स नहीं है, ना जियो ना एयरटेल, ओनली BSNL, वो भी यहाँ पे नहीं, 4 किलोमीटर पीछे। और यहाँ पे ट्रैक जो है 10 किलोमीटर, या फिर सीधा 10 दिन का ट्रैक। तो अगर आपको ट्रैक करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा तभी आप लोग मुद विलेज जाओ, अब बाकी तो आपकी इच्छा है। बाकी लैंडस्केप्स तो खैर जब से स्पीति एंटर हुए हैं तब से तो सुंदर ही है, तो ये भी बहुत ज़रा सुंदर वैली है। अब ये देखो रास्ता देखो, अब ऐसा रास्ता पूरा 25 किलोमीटर है। तो कोई नहीं, चलो हल्के हल्के चलते हैं। बाकी आज का मैं आप लोग को प्लान बताता हूँ, तो आज हम मुद विलेज से निकल रहे हैं टूवर्ड्स डंकर मॉनेस्ट्री एंड डंकर लेक, उसके बाद हम लोग निकलेंगे वहां से टूवर्ड्स काजा, और आज काजा में स्टे करेंगे। तो ये हमारा आज का प्लान है। और यार इस पूरे ट्रिप पे ना मैंने अपना इंट्रो ही नहीं बोला, तो चलिए आज अपना इंट्रो ही बोलते हैं। तो दगड़ियों स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल ट्रैवल बग में। अभी हम लोग मुद विलेज से करीब 3 किलोमीटर चले थे, एंड यहाँ हमें देखने को मिला है एक ब्रिज जिसका नाम है तेलिंग, जो कि ये देखो ये सस्पेंशन ब्रिज है, मेरे सस्पेंशन है या फिर क्या, आई डोंट नो, लेकिन हाँ ये ना हिलता है तो इसलिए काफी ज्यादा फेमस है। वो देखो उमेश भाई अभी चल रहे हैं वहाँ पे, और ब्रिज ना हिल रहा है उनके, जब वो चल रहे हैं ना, ये देखो भाई ये तो फट्टे हैं इसके ऊपर लगे हुए। ओ बेटे, ओ ये तो हिल रहा है, ये देखो ओ भाई साहब, भाई डर लग रहा है इसमें तो। ओ आवाज भी कर, ओए अभी मत आना, ये आवाज कर रहा है। ये देखो जी, ये है अपना तेलिंग ब्रिज, एंड ये है अपनी पिन वैली।
ये देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। उमेश भाई अगर टूट गया ना, बर्फीला पानी नीचे बर्फीला। तो जी ये था हमारा तेलिंग ब्रिज। बढ़िया एक्सपीरियंस था यार, थोड़ा डरावना भी था थोड़ा फन भी था। अगर आप लोग मुद विलेज जा रहे हो तो यहाँ पे जरूर रुकना, अच्छा है, मतलब ओवरऑल व्यू भी काफी सुंदर है। बाकी ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से आगे। नीचे वहां पे देखो ट्रैक्टर चला रहा है कोई, तो यहाँ पे ना ये लोग खेती करते हैं, मैंने पूछा था। एंड दे ग्रो ग्रीन पीज, मतलब कि मटर ही उगाते हैं यार। बट यार कितनी टफ लाइफ होगी ना, आई एम वेरी श्योर। देखो हम लोग टूरिस्ट हैं, हम लोग एक दिन यहाँ पे रुकेंगे, दो दिन यहाँ पे रुकेंगे और चल जाएंगे, बट यहाँ पे रहना मुझे लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। ऊपर से विंटर्स में तो भाई पूछो मत, यहाँ इतनी खतरनाक बर्फ पड़ती होगी, आई डोंट नो यार कैसे सर्वाइव करते होंगे, बट हाँ करते हैं यार, है ना, शायद से यूज टू हो चुके होंगे। बाकी ये जो रूट है ना, ये जो 25 किलोमीटर का ऑफ रोड है मद विलेज से काजा हाईवे तक, तो ये हमने कल रात में करा था। तो ये जो व्यू है पूरा का पूरा, ये मेरे लिए भी नया है। तो मैं अभी कहना चाहूंगा कि इसका रूट ऑफ रोड है, थोड़ा खराब है, लेकिन हाँ सीनिक बहुत ज्यादा है, बड़ी डिफरेंट वैली है, देख सकते हो आप लोग। एक नीचे गाँव भी दिखाई पड़ रहा है, और कल आते हुए दिखाई नहीं भाई कोई गाँव, अभी दिखाई दे रहा है। कल पता नहीं क्या देख रहे थे हम लोग भाई। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, हमने ये रूट ना अंधेरे में कवर करा था, तो इसलिए हमसे ये सब मिस हो गया। देखो भाई ये वैली इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना इस टाइम। तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि मुद विलेज आना बेकार है, बट हाँ अगर आपको ये व्यू देखना है ना तो दिन के टाइम में आना, तब तो भाई है वर्थ इट है। पीछे व्हाइट पीक्स दिख रही है, ये नदी देखो इतनी चौड़ी वैली भयंकर, और ये वाले पहाड़ देखो कैसे जा रहे हैं स्लोप में, ये देखो बढ़िया एकदम। या तो मैं अपने शब्द वापस लेना चाहूँगा, आई एम रियली सॉरी, इट्स अ गुड प्लेस। अभी हम लोग हैं मुद विलेज वाली सड़क में, एंड अपने पल्ली पार मतलब कि नदी के उस पार है काजा हाईवे। तो यहाँ पे रुकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ नेटवर्क वगैरह आ जाएंगे तो यार घर में फोन कर लेते हैं, वरना घर वाले चिंता करते हैं। यहीं पे रुकते हैं, यहाँ कोने में रुकते हैं। बाकी निकलने से पहले चेन लिप कर लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप बाइक राइड करते हो फॉर स्मूथ राइड, एंड चेन भी नहीं टूटती इससे। तो दगड़ियों ये हम लोग आ चुके हैं अपने ब्रिज में, अगर यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो जाता है काजा, लेकिन हम लेंगे यहाँ से राइट क्योंकि हमें जाना है धंकर मॉनेस्ट्री, जो कि 18 किलोमीटर इस मद विलेज का जो ये ब्रिज है उससे पहले पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ये भी काफी देखने की चीज है, तो जब आए हैं तो मिस क्यों करना है। तो चलिए फिर लेके चलते हैं आपको धंकर मॉनेस्ट्री। बाकी ये पहाड़ देखो भाई कितने ज्यादा डिफरेंट है भाई, सीधे सीधे उनके बीच में दरारें हैं इतनी बड़ी बड़ी, मतलब कितनी खतरनाक, पता कैसे बने होंगे यार ये पहाड़ इतने डिफरेंट। ये देखो कितनी बड़ी दरार है पीछे, टिकट अपना राइट साइड में जो है ये काजा हाईवे, एंड लेफ्ट साइड में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे टुवर्ड्स धंकर। तो धंकर मॉनेस्ट्री है ना वो बहुत ज्यादा हाइट में है, और आज ना भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर मौसम है, आप लोग देख ही सकते हो कितना ब्लू स्काई हो रखा है, मतलब ना नेकेड आई से देखा नहीं जा रहा है, यू हैव टू वेयर सनग्लासेस क्योंकि इतनी ज्यादा चमक हो रही थी ना हर जगह। देखो मतलब एक बादल नहीं आसमान में भाई, ये एक बादल, अरे बाप रे बाप, ये देखो भाई। तो थोड़ी देर पहले हम लोग नीचे नदी के पास थे, और अभी देखो हम कितनी ज्यादा हाइट पे आ गए, बाकी पीक्स अब एकदम अपने सामने है। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं धंकर मॉनेस्ट्री, वो रही सामने अपने, और अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ कि ये पूरी की पूरी ना पत्थरों के ऊपर बन रखी है। ये देखो भाई दो इतने बड़े बड़े पत्थरों के बीच में रास्ता है, ये तो खैर यार इतने कॉमन हो गए ना यहाँ पे, देख देख के आदत सी हो गई है क्योंकि हर जगह मोस्टली ना ऐसी पहाड़ है। तो ये है जी अपनी धंकर मॉनेस्ट्री।
सामने आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, देखो पूरे पत्थरों के बीच में बन रखी है पूरी की पूरी मॉनेस्ट्री ना। तो ठीक है फिर पहुंच गए हम लोग, हेलमेट वगैरह निकालते हैं, बाकी फिर करते हैं आप लोगों से बात। जी फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग धानकर मॉनेस्ट्री। बाकी ये रही सामने अपनी बाइक्स एंड पीछे आप लोग को इन लोग का गांव दिखाई दे रहा होगा भाई। बहुत ही खूबसूरत जगह पे बन रखा है, पूरा का पूरा पहाड़ में देखो इधर। एंड अब फिलहाल अभी जो मॉनेस्ट्री है वो इस साइड है एंड एक व्यू पॉइंट है वो इस साइड है। पहले चलेंगे मॉनेस्ट्री में, उसके बाद चलेंगे अपन लोग व्यू पॉइंट में। देखो जी यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, वहाँ से अभी हम लोग एंटर हुए हैं एंड इधर से एंट्रेंस है अपनी मॉनेस्ट्री की। आ जाओ तो जो ये मॉनेस्ट्री है ना ये देखो आप पूरे पत्थर के अंदर बन रखी है, वहाँ पे एक खिड़की भी है उस साइड पे एंड ये जो पूरा का पूरा ना ये वो है पहाड़, पहाड़ का पत्थर है एंड इसके अंदर उन्होंने मॉनेस्ट्री बना रखी है। बाकी यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है पूरा का 360 व्यू अगर मैं आप लोग को दिखाऊँ, सामने वो पीक्स है और वो नीचे अपनी स्पीति रिवर, भाई बड़ी सुंदर लग रहा है पर यार उत्तरी ओह। और हम लोग काफ़ी हाइट पे हैं भाई, देखो ना भाई पूरा पत्थर के अंदर बना रखा है। तो मॉनेस्ट्री के अंदर हम लोगों ने विजिट कर लिया, बाकी ये भी 1100 साल पुरानी है एंड अंदर हम जब हम लोग गए ना तो पूरा पहाड़ के अंदर काव करके जो है मॉनेस्ट्री बना रखी है। लेकिन हाँ बढ़िया था। तो जी मॉनेस्ट्री से तो हम घूम आए लेकिन हम लोग ऊपर व्यू पॉइंट में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही ना। कोई बात नहीं, चलो अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे एंड उस तरफ से कहीं ड्रोन आएंगे वहाँ से दिखा देंगे आप लोग को व्यू। बाकी अभी हम लोगों ने यहाँ पे हनी चिली पोटैटो और क्या था चिली मशरूम, भाई बहुत टेस्टी हो रहा था, देहरादून की याद दिला दी यार। इतने दिनों से मतलब 4-5 दिनों से हम लगातार वही खा रहे हैं, मैदा का आलू का पराठा ये सब, आज इतने टाइम बाद हमने खाया लेकिन बढ़िया था। बेंदूरिया करके नाम था, आपको वहीं मिल जाएगा एकदम आगे जाके, यहीं से हल्का सा आगे जाके। जी अभी हम लोग थोड़ा सा दूर आ गए हैं धानकर मॉनेस्ट्री से और ये इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो इसको अवॉइड करें। बाकी ये चेक करें आप भाई, ये रही सामने अपनी धानकर मॉनेस्ट्री, यहाँ से एकदम परफेक्ट व्यू दिखाई दे रहा है, वो पहाड़ देखो बाकी वो देखो यहाँ पे है मॉनेस्ट्री। एंड अभी का प्लान ये है अब यहाँ पे रुके हैं तो चलिए ड्रोन आते हैं क्योंकि ड्रोन से जो व्यू दिखता है ना भाई वो आंखों से नहीं दिखता। तो चलिए फिर आप लोग एंजॉय करो ये ड्रोन शॉट्स। तो जी ड्रोन शॉट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, बाकी अब आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि वो कहाँ पे बना है वो मॉनेस्ट्री, कितनी खतरनाक जगह पे बनी है बिल्कुल पहाड़ में एकदम। बाकी आप लोग को बता दूं ये मॉनेस्ट्री ना ताबो वाली मॉनेस्ट्री से भी पुरानी है और मैंने आप लोग को कहा था एक लेक भी है यहाँ पे, धानकर मॉनेस्ट्री एंड धानकर लेक, तो लेक का भी हमने ड्रोन शॉट लिया। उसका एक छोटा सा ट्रैक है अराउंड 500 मीटर का, अब हम पे तो टाइम था नहीं तो हमने कहा कि ड्रोन ही उड़ा दिया। देखो अब बाकी आपके स्क्रीन में आ रहा होगा अभी ड्रोन शॉट्स, तो ऐसा कुछ लेक था ऊपर। तो ये होते हैं ड्रोन होने के फायदे। बाकी देख रहे हो इस धानकर लेक के रूट में ना 18 हेयर पिन बैंड्स हैं, 18 लूप भी, कोई लूप बोलता है कोई हेयर पिन बैंड्स बोलता है जो कि बहुत ज़रा बढ़िया लगता है। तो धानकर मॉनेस्ट्री हम लोगों ने कवर कर ली, लूप्स मैंने आप लोग को दिखा दिए। बाकी चलिए अब चलते हैं यहाँ से सीधा काजा जो कि करीब 40 किलोमीटर दूर है एंड हमको हार्डली 1 घंटा लगेगा। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग किस पॉइंट में हैं, अगर लेफ्ट जाएंगे तो काजा पहुंच जाएंगे काजा विलेज और राइट जाएंगे तो हेकेम कॉमिक और लांगजा, ये 3 जगह हैं। तो हम लोग काजा नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इस साइड राइट साइड टुवर्ड्स लिदांग विलेज सो दैट हम ये तीनों की तीनों जगह जो है वो कवर कर लें जो कि अपनी है। तो इसलिए काजा से 15 किलोमीटर पहले ही एक रास्ता कट रहा है तो हमने कहा चलो फिर ये तीनों जगह ही कर लेते हैं।